आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर का ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। जैसे हम लोग को सबको पता है, मार्केट में हर रोज काफी सारा कॉल बनता है, जिसमें से कुछ कॉल अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का सही तरीका क्या है? तो बैंक निफ्टी का ये जो चार्ट खुला है, देखिए आज को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ये आज का फर्स्ट कैंडल है। कैंडल का कलर देखिए ब्लू है। ब्लू कैंडल का मतलब है ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। जैसे कैंडल खत्म होगा, नेक्स्ट कैंडल पे आपको सिग्नल मिलने वाला है। तो जैसे देखिए ये जो रेड कलर का एरो बना, ब्लू कैंडल जैसे खत्म होगा नेक्स्ट कैंडल पे आपको सिग्नल बन गया। अब क्वेश्चन ये है, जो कॉल सही है या गलत है, इसमें ट्रेड करे या ना करे, ट्रेड करने का टाइम एक ट्रेडर को क्या क्या चीज देखना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर तीन कंडीशन होता है हम लोग का। सेलिंग का टाइम नीचे का जो रिबन है उसका कलर को रेड होना चाहिए। सेल का कॉल का पहले हमेशा एक स्टार बनेगा रेड कलर का, और नीचे वाला जो ब्रिक्स इंडिकेटर है उसका कलर रेड होना चाहिए, और ये व्हाइट का नीचे होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन मैच होते हैं तभी जाके आप किसी कॉल को स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे। तो लॉजिकली देखिए यहां पर हम लोग का तीनों पैरामीटर ही मैच है, तो आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। बट ट्रेड करने का पहले फाइनली जो चीज देखना है, सिग्नल का पहले जो ब्लू कैंडल बना था, इसे हम लोग ट्रेंड रिवर्सल कैंडल कहते हैं, और इस कैंडल का लो तोड़ने का बाद ही आपको ऑर्डर लगाना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अगर इस कैंडल का लो का नीचे कोई कैंडल आता है तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए वेट कर रहे हैं, अभी भी देखिए कोई भी कैंडल ब्लू कैंडल का लो का नीचे आ नहीं रहा है। तो जब तक नहीं आएगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। फाइनली देखिए देखते देखते मार्केट रिवर्स हो गया, दोबारा ब्लू कैंडल बन गया। तो ये मॉर्निंग का फर्स्ट कॉल अगर अब मैं यहाँ पर ट्रेड लेता तो मेरा पोजिशन यहाँ पर लॉस भी जाता। तो ये लॉस से बचना भी वन काइंड ऑफ प्रॉफिट होता है। मार्केट में ऐसा बहुत सारा कॉल बनता है जो अचीव नहीं हो पाता है, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए, कहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखते देखते फाइनली बाइंग का कॉल बन गया। अब ये जो बाय का कॉल है, यहां पर भी वही सेम लॉजिक को आपको फॉलो करना है। सिग्नल का पहले स्टार यहां पर भी बना था, नीचे का रिबन यहां पर भी ग्रीन है, ब्रिक्स देखिए ग्रीन हो गया एंड व्हाइट का ऊपर चला गया, एंड इसमें भी आपको वही ब्लू कैंडल का हाई का ऊपर ही आपको बाय करना है। ब्लू कैंडल का हाई तोड़ेगा तब आप बाय करेंगे। तो देखिए यहां पर ब्लू कैंडल का हाई को तोड़ रहा है, तो यहां पर आपका ऑर्डर कंफर्म हुआ। अब एंट्री लेने के बाद आपका टारगेट लेवल क्या होगा? जैसे मैं बार बार बताता हूँ, जो एक्चुअली टारगेट बोल के मार्केट में कोई चीज होता नहीं है, बट मार्केट का कुछ लेवल होता है। ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन सॉफ्टवेयर में आ रही है, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस लाइन है। तो ये आपका मिनिमम एक आइडिया आपको दे रहा है जो मार्केट वहां तक जा सकता है। बट एंट्री लेने के बाद अगर आपका नीचे वाला ब्रिक्स इंडिकेटर ब्लू ब्लू होना शुरू कर दिया, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। तो यहां पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट होना पड़ेगा। ब्लू होने का मतलब यह रिवर्सल हो सकता है, बट दोबारा देखिए ब्रिक्स ग्रीन हो गया और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड फाइनली अगर हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग का जो थॉट था, जो ग्रीन डॉटेड लाइन तक मार्केट चला जाएगा, वो चला गया। तो ये लेवल हम लोग कवर कर लिए। तो यहां पर मैं मिनिमम एक टारगेट लगा के रखूंगा, या एक लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना रहूंगा, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाए कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाए। अल्टीमेट देखिए दोबारा नीचे का जो ब्रिक्स है वो ग्रीन से ब्लू होना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद रेड होना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है ये धीरे धीरे अभी नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया है। अभी देखिए और थोड़ा सा वेट करेंगे, और फाइनली धीरे धीरे मार्केट नीचे आ गया। काफी नीचे का रिबन भी रेड हो गया, ब्रिक्स आपका फेवर में चला गया। अभी यहां पर देखिए सेलिंग का कॉल बन गया। अब क्वेश्चन ये है, जो क्या मैं ये सेल का कॉल में ट्रेड ले सकता हूं? वही सेम तीन कंडीशन को देखना है। नीचे का रिबन रेड हो चुका है, ब्रिक्स आपका फेवर में चला गया है, बट अभी तक स्टार नहीं बना है, तो स्टार के लिए वेट करना पड़ेगा। तो स्टार यहां पर बना इस कैंडल पे। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टार यहां पर बना मतलब इसका बाद आप ट्रेड करेंगे, इसका पहले नहीं। बट जिस टाइम आप ट्रेड करने जा रहे हैं, देखिए ब्रिक्स ने ऑलरेडी एक रैली निकाल दिया। मैं बहुत सारा वीडियो में ये चीज बताता हूँ, ये सब छोटा छोटा चीज है, बट जितना ध्यान से आप इसको फॉलो करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए ये ब्रिक्स इस कैंडल पे ब्रेक किया था, तो इसका मतलब यहां से मार्केट का सेंटिमेंट सेलिंग पे जा रहा है। तो आप जहां पर सेल कर रहे हैं ऑलरेडी मार्केट का सेंटिमेंट काफी गिर चुका है, और ये जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर का नीचे आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है, ये एक ओवरसोल्ड का कंसेप्ट है। मतलब यहां पर मार्केट ऑलरेडी अगर ब्रिक्स ब्लू लाइन को टच कर रहा है, तो मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड में आ चुका है, जहां से मार्केट और नीचे नहीं भी जा सकता है। तो फाइनली हम लोग देखेंगे ब्लू ब्रिक्स बन गया, रिवर्सल हो रहा है मार्केट, और धीरे धीरे यहां पर ग्रीन स्टार देखे
मार्केट को रिवर्स कर दिया। तो इस तरीके का सिचुएशन में बोर्ड टाइम हम लोग फंस जाते हैं। अगर आप एंट्री ले भी लेते हैं तो ब्लू, ये जो ब्लू कलर का ब्रेक्स आ रहा है, तो इसका साथ आपको तुरंत एग्जिट भी करना पड़ेगा इसका ऊपर जाके। फाइनली देखिए बाय का कॉल बन गया, यहां पर भी वही सेम कंडीशन, स्टार का साथ कॉल बन रहा है, नीचे का रिबन ग्रीन है, ब्रिक्स आपका फेवर में है। अभी देखिए यहां पर ब्रिक्स अभी अभी तोड़ रहा है जहां पर ये बाय का कॉल बना, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी वही हुआ था, मतलब जिस टाइम आपको एंट्री मिल रहा है अगर उसी टाइम ये ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट को तोड़ेगा तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग सिचुएशन माना जाएगा। ठीक है, ग्रीन डॉटेड लाइन है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को तोड़ के भी मार्केट यहां पर ऊपर का तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया। अभी यहां पर आप वही ब्रिक्स वाला इंडिकेटर को फॉलो कीजिए, जब तक ब्रिक्स का कलर ग्रीन है आपका पोजिशन सिक्योर है। जैसे देखिए यहां पर भी ब्रिक्स का कलर ब्लू हुआ, ब्लू का मतलब ही है ये रिवर्सल हो सकता है। अभी देखिए धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है, रेड हो रहा है, मिडिल का दोनों लाइन अभी भी ग्रीन है, वो क्रॉसओवर होकर पिंक नहीं हुआ है। जैसे यहां पर दोनों लाइन पिंक होने का कोशिश कर रहा था, या फिर बोल सकते यहां पर पिंक होने का कोशिश कर रहा था कि बार बार पिंक हो रहा है और हट जा रहा है, मतलब ये क्लोजिंग पे कंफर्म होगा। जैसे अभी ये क्लोजिंग हो गया, ये कंफर्म हो गया, जो आपको पोजिशन को स्क्वायर अप करना है। तो ये जो दोनों लाइन का क्रॉसओवर है ये भी आपको हेल्प करेगा पोजिशन को छोड़ने के लिए। अभी फिलहाल देखिए ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है ये व्हाइट का नीचे आ चुका है। अभी आपका सामने एक ब्लू कलर का कैंडल बन रहा है, ब्लू कलर का कैंडल का मतलब ये है यहां पर आपको कोई फ्रेश सेल का फॉल मिलने वाला है। तो अभी मैं लाइव में आ चुका हूँ, ऊपर में जो एलटीपी है ये आपका अपडेट हो रहा है, अभी जस्ट 11:30 बजे का टाइमिंग है। तो सुबह से लेकर अभी तक क्या हुआ इसका एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया। सुबह को सेल का कॉल बना, ट्रेड क्यों नहीं किए, बाय का कॉल में ट्रेड लिए, रेजिस्टेंस तक प्रॉफिट बनाए, सेल का कॉल में ट्रेड तो ले सकते हैं बट तुरंत निकलना भी पड़ेगा क्योंकि उतना खास मूवमेंट नहीं मिला। फाइनली ये बाय का कॉल मुझे अच्छा खासा बेनिफिट देके गया। ये वाला जो ब्रिक्स इंडिकेटर है इसका बाद ही देखिए मार्केट रिवर्सल होने का एक संकेत आ जाता है। तो अभी ब्रिक्स नीचे आ गया, नीचे का रिबन रेड हो गया बट अभी तक सिग्नल कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ये ब्लू कैंडल खत्म हो जाएगा, ये कैंडल क्लोज होने पे नेक्स्ट कैंडल पे मुझे सिग्नल दिख जाएगा, बट ये सिग्नल आने से नहीं होगा, मुझे स्टार के लिए भी वेट करना है। मतलब जो तीन कंडीशन है, एक है स्टार, नीचे का रिबन और ब्रिक्स, तीनों कंडीशन एक साथ मैच होगा तब ट्रेड करेंगे। जैसे देखिए सिग्नल अभी आपका सामने पॉप अप हो गया, एक बार सिग्नल आ जाने के बाद सिग्नल रिपेंड नहीं होता, ये हम लोग का सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। चाहे प्रॉफिट हो या ना हो या कुछ भी हो, दूसरा सॉफ्टवेयर का तरह ये रिपेंड नहीं होगा, मतलब एक बार सिग्नल बन गया तो फिक्स्ड, भले ही वो टारगेट दे या ना दे। अभी ये जो सेल का कॉल बना यहां पर मुझे वेट करना है स्टार के लिए। अब देखिए ऐसा हो ही सकता है, ये वाला जो सेल का कॉल किया था स्टार आते आते काफी मार्केट नीचे गिर गया, ब्रिक्स अभी अभी व्हाइट को तोड़ा है, तो इस टाइम अगर स्टार मिल जाता तो मेरे लिए अच्छा होता। अभी ये अगर धीरे धीरे मार्केट में देखिए बोलते बोलते यहाँ पर स्टार बन रहा है इस कैंडल का ऊपर में, तो ये कैंडल खत्म होने पे ही ये स्टार कंफर्म हो जाएगा, उसका बाद आप कॉल को कंफर्म कर सकते हैं। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्यूचर में, ऑप्शन में, किसी में भी, ये छोटा छोटा स्कैल्पिंग बेसिस में काम करेगा। जैसा आज अभी का जो मार्केट है पहले जैसा नहीं रहा, यहाँ पर आपको छोटा पोजिशन में एंट्री लेना है, जल्दी निकलना भी है, तो दोनों तरफ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। एंड फाइनली इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल को ओपन कीजिए, काफी सारा वीडियो है, दो चार वीडियो और देखिए, काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। थैंक यू।